गर्मियों की शुरुआत होते ही आगजनी की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और दो फायर टैंकर 15 कर्मचारियों के भरोसे कैसे लोगों को आग लगने की घटनाओं से राहत मिल सकती है। आलम यह है कि जिले में लगी आग की घटनाओं पर काबू करने के लिए लखनऊ और कानपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं। फायर ब्रिगेड कार्यालय में स्टाफ की कमियों से गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। फायर ब्रिगेड अधिकारी भी स्टाफ की कमी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी होने से हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं शासन प्रशासन इन बातों से भलीभांति परिचित होने के बाद भी चुप्पी साधे बैठा है और जनता का नुकसान हो रहा है। बता दें कि बांदा फायर ब्रिगेड कार्यालय में 5 गाड़ियां हैं, इनके लिए 5 चालक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे समय में यदि एक साथ 4 जगहों पर जाने की स्थिति बन जाए तो कर्मचारियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार विनय कुमार प्रभारी फायर को ही घटना स्थल पर गाड़ी चलाकर ले जाना पड़ता है। एक गाड़ी पर एक यूनिट स्टाफ होने चाहिए, इसमें 4 फायरमैन, 1 हवलदार, 1 चालक समेत कुल 6 स्टाफ होने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आगजनी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आग पर काबू पाने वाला फायर स्टाफ संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और आगजनी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई करता दिखाई नहीं दे रहा है। हार्वेस्टिंग से कटे खेतों पर किसान लगातार आग लगाकर फायर ब्रिगेड की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, जिससे गांव में आग लगने की स्थिति बनी रहती है और दूसरों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। इस बारे में फायर ब्रिगेड प्रभारी विनय कुमार का कहना है कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए सीमित संसाधनों में हमारे तरफ से पूरी तैयारी है। सिपाहियों की कमी होने की वजह से हमारी पुलिस और स्टाफ सभी परेशान हैं। हम रातों दिन आग बुझा रहे हैं। अगर हमें स्टाफ उपलब्ध हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के देर से पहुंचने का कारण बताते हुए विभागीय अधिकारी का कहना है कि जैसे एक समय पर 4 जगह आग लगी है और हमारे पास 4 गाड़ियां ही हैं, जब तक हम वहां की आग नहीं बुझा देंगे तब तक हम दूसरी जगह कैसे पहुंच पाएंगे। कहा कि हमारे सभी वाहन अच्छी हालत में हैं, पर स्टाफ की कमी है। अगर हमें स्टाफ और मिल जाए तो हम इन समस्याओं से निजात मिल सकते। सीमित संसाधन में हमारे तरफ से पूरी तैयारी है और स्टाफ कमी होने की वजह से हमारे सिपाही, हमारा स्टाफ पूरा परेशान है। रातों दिन हम लोग आग बुझा रहे हैं और स्टाफ अगर हमें अवेलेबल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि लोगों के द्वारा यह अक्सर शिकायत मिलती है, सुनने को मिलती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फोन करने के घंटों बाद पहुंच रही हैं, इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जैसे हमारे पास 4 गाड़ी हैं, 4 ड्राइवर हैं, तो चारों गाड़ियां हमारी आग पे निकल जाती हैं, तो पचही आग की जब सूचना मिलती है तो चारों आग में एक आग बुझ जाने पर ही वहां गाड़ी भेजी जा सकती है। जब तक गाड़ी हमारी खाली नहीं होगी, कहीं आग बुता रही है, वहां से खाली होती है तब पचही आग पर भेजा जाता है। कहीं ऐसा कारण तो नहीं कि जो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं वो कंडम वाहन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी वाहन एकदम चुस्त दुरुस्त दशा में, अच्छी कंडीशन में। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ कर्मचारियों की कमी है? कर्मचारियों की कमी है, सिपाहियों की कमी है और गाड़ियां हैं। अब आग इतनी ज्यादा यहाँ लगती है कि एक एक साथ में 6-6, 7-7 आग लग जाती है, तो 4 गाड़ियों के लिए हमारे पास स्टाफ है, तो 4 आग पे निकल गए तो 5 पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। जब तक चारों आग बुझ नहीं जाती तब तक दूसरे घटना पर हम नहीं भेज पाते हैं, इसलिए देरी हो जाती है।